हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल किया जाए जिस पे आप पाइथन की कोडिंग बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा जैसे मैंने ओपन किया। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना क्रोम ब्राउजर जो है ओपन कर लिया है और अब आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सर्च क्या करना है, वीएस कोड। क्या सर्च करना है, वीएस कोड। देख सकते हैं ये वीएस कोड आ चुका है। अब हमें विजुअल स्टूडियो, ये जो पहला लिंक दिख रहा है आपको विजुअल स्टूडियो कोड, अब देखिए https code.visualstudio.com, यहाँ पर जाइएगा, क्लिक कर दीजिएगा। इसमें लिनक्स के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, विंडोज के लिए चाहिए, ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पर ये 64 बिट का है, आपका अगर 32 बिट का हो तो आप 32 बिट वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 64 बिट ही कर रहा हूँ, यहाँ विंडोज उस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। 100 MB के आसपास की फाइल है, 95.7 MB रिमेनिंग है इसमें। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसे इंस्टॉल करना होगा। कैसे इंस्टॉल करना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है, अब इस पे जाके क्लिक करना है और क्लिक करके इस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, आप इस लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, यहाँ से नेक्स्ट करिएगा। अब ये आपका बाय डिफॉल्ट पाथ है जहाँ पर जाकर के ये इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा और फिर यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। और डेस्कटॉप पर अगर आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे ये दोनों ऑप्शन को आप यस रहने दीजिएगा, इस पर टिक रहने दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा और इसे इंस्टॉलेशन पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये आपके जो है जो फाइल आपने डाउनलोड करी है उसको ये एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से फिनिश आप कर सकते हैं। तो ये फिनिश कर दिया हमने, अब ये लॉन्च भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉन्च हो रहा है, तो यहाँ से देख फाइल पे जाइएगा या यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सप्लोरर दिया गया है, तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ओपन फोल्डर आ रहा है, क्लिक कर दीजिए इस पर, टाइप कीजिएगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, CO टाइप कीजिएगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करिएगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा। जैसे ही करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, यस कर दीजिएगा और यस करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है पाइथन python एस दीजिएगा गैप दे करके और वर्जन लिखिएगा version. अगर ये इंस्टॉल हो गया होगा तो यहाँ वर्जन शो कर जाएगा, इसका मतलब है कि आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। फिर यहाँ क्या लिखूंगा, इनपुट, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करना है, ये जो सेक्शन दिख रहा है ना यहीं पर आपको टाइप करना है अपना कोड। तो लिखिए a इज इक्वल टू इंट और फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ लगाएंगे इनपुट। इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है और यहाँ पे लिख दिया हमने एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर लिख दिया। तो यहाँ पर कोई भी नंबर यूजर एंटर करना चाहेगा, अब एंटर करके क्या करेगा, वो नीचे आएगा, ठीक है, एंटर करके नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा तो हमें चेक करना होगा इफ a में रखी हुई वैल्यू बड़ी होगी 1 से, ठीक है, ए में रखी हुई वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 1 से, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे फॉर आई इन अरेंज, ठीक है। अरेंज एक फंक्शन है जो लास्ट -1 कर देता है, ये तो आपको पता ही है। 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर तो 2 से ही शुरू होता है और ए तक चेक करेंगे, और ए तक चेक करेंगे तो रेंज लगा हुआ है तो लास्ट में कौन सी वैल्यू है, ए है, मतलब ए रखा हुआ है, ए में रखी हुई जो भी वैल्यू होगी उससे 1 माइनस करके ये दे देगा। तो यही तो हमें प्राइम नंबर में चेक भी करना है। अब क्या करना है, अब यहां पर आकर के हमें क्या करना है, इफ एल्स की कंडीशन देनी है। तो यहां पर मैं लगाता हूं इफ, ठीक है, और यहां पे क्या दूंगा, ए को मॉड्यूलस करवाऊंगा, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, आई से मॉड्यूलस करवाऊंगा, ठीक है, ए को किससे मॉड्यूलस करवाऊंगा, आई से, और आई से मॉड्यूलस करवाने के बाद अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम ही नहीं है। तो यहां पर क्या करिएगा, प्रिंट करवा दीजिएगा print प्रिम और यहां लिख दीजिएगा नॉट प्राइम, क्या लिखिएगा, नॉट प्राइम, ठीक है, और डबल कॉमा को क्लोज करके यहां ए को प्रिंट करवा दीजिएगा। ये हो गया। अब दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में यहां पर पहले तो हम ब्रेक कर देते हैं, ये लूप चलता रहेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे, और नीचे जब आएंगे तो इंटेंडिंग सही कर लीजिएगा, यहां पर इंटेंडिंग आएगी एल्स की, तो यहां लिखिएगा एल्स और फिर एंटर करके आइएगा, यहां लिखिएगा प्रिंट और यहां पे कर दीजिएगा प्राइम, ठीक है। यहां पर इसको थोड़ा सा यहां से ऊपर लेके आते हैं,
ये प्रिंट का इंटेंडिंग इधर आएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप भी, इंटेंडिंग इधर उधर ना हो जिसके चलते दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ये इंटेंडिंग आएगा और अब इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये रन भी हो गया, इंटर का नंबर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर एंटर कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए 7 एंटर किया, तो ये बताएगा कि 7 प्राइम ही है, ठीक है। और अगर मैं फिर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और इस बार 9 एंटर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि बता रहा है कि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर अगर एंटर करता हूँ तो फिर वही सवाल पूछा कि प्राइम नंबर आप एंटर कीजिए, और अगर आप प्राइम नंबर एंटर कर देते हैं तो ये बताएगा कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। जैसे 11 कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 11 क्या है, प्राइम है। तो जो प्राइम है वो प्राइम बताएगा, जो नहीं है वो नहीं बताएगा, ठीक है।